तू सॉन्ग के बारे में बताइए। गाना रिलीज हो रहा है 20 जून को एट 10 AM। यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब, टीवी, रेडियो, सब जगह बजेगा। पहले दो दिन के लिए यू कैन चेक इट आउट ऑन आई कैन से अदर चैनल नहीं बता रहा। सो आई जस्ट उसमें आई प्ले अ कैरेक्टर वेयर आई हैव अ ब्रेकअप विद समबडी और वो प्यार की खोज में जो होता है वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। ओके सर, ये सॉन्ग जब आया था तो क्या माइंड में क्या चल रहा था, करना है नहीं करना, इसका थोड़ा बताएंगे। तो मैंने गाना बनाया है, खुद बनाया मैंने गाना एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मेरे खुद के जो बनाए गाने कानों में मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक लोगों को भी पसंद आएगा। इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो सब हर जन रिलेट कर सकता है इस गाने को, क्योंकि हर इंसान के जिंदगी में एक टाइम होगा जिसमें किसी ने हार्ट ब्रेक महसूस किया होगा। तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग, एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिकलिटी ऑफ दिस सॉन्ग। जैसे कि आपने कहा खुद बनाया है, तो कभी क्या इंसिडेंट्स कुछ हुआ है आपके साथ इस तरह का हार्ट ब्रेक? बिल्कुल हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो वो कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं? उस एक्सपीरियंस पे ही गाना बनाया मैंने, तो आप वीडियो देखो, आप एक्सपीरियंस समझ जाओगे। अच्छा, मोमिना भी है देखा जाए तो, फिर पाकिस्तानी सिंगर है, जब उन्हें लिया जा रहा था तो कोई प्रेशर था, क्योंकि इसके पहले भी काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हाँ, लेकिन आई थिंक कि आजकल के जमाने में बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं जो देश से, वो मैटर नहीं करता इतना आजकल, क्योंकि आई थिंक आप देखने जाओगे तो म्यूजिक और आर्ट इसके ऊपर उसको रहना जरूरी है। आई डोंट फील लाइक इट शुड बी पॉलिटिकल, वी शुड रिमूव द पॉलिटिक्स फ्रॉम म्यूजिक और आर्ट फॉर्म इन एनी वे। आई डोंट थिंक दैट इट्स समथिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट ऑल्सो। अगर इफ यू मेक एवरीथिंग पॉलिटिकल देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ट? नहीं, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ सर। तो आपको क्या लगता है कि अगर हुई तो, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है जो भी इंडिया में आए दिनों जो हो रहा है अभी रिसेंटली, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं कि उस मैं अगर कुछ हो गई तो फिर मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता हूँ और ना मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई इंसान दूसरे देश से है तो उनके साथ कोलैबोरेट करना गलत है। आई थिंक दैट इट शुड मैटर, ये म्यूजिक होता है, जो चाहो जो भी देश से हो वो फर्क नहीं होता, गाना अच्छा होना चाहिए बस। ओके सर, मोमिना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते? बहुत अच्छा था मोमिना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, शी इज अ वेरी लवली पर्सन। मैं उनको मिला पहली बार बैंकॉक में जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे वीडियो, और वहाँ पर हम लोग ने गाना भी रिकॉर्ड किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। न्यूयॉर्क की बात की आपने, ब्यूटीफुल शहर माना जाता है, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते न्यूयॉर्क की? वीडियो तो बहुत अच्छा निकला, तो आप वीडियो देख के बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा, वहाँ के जो फनी इंसिडेंट्स हो, क्योंकि मोमिना से भी हम अभी देख रहे थे, काफ़ी फनी फनी गर्ल दिख रही है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। मोमिना बहुत फन लविंग गर्ल है, उसको बहुत हंसना और बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनके सामने बैठते हैं तो वो बात करती रहती है और आपको सिर्फ सुनना पड़ता है। तो मुझे अभी तो हम लोग दोस्त बन गए हैं, अभी मुझे भी मैं उनसे मिला था तो आई डोंट नो हर एट ऑल, तो पहली बार मैं भी उनसे मिला था बैंकॉक में, तो आई फील लाइक बहुत अच्छी लड़की है, आई फील शी इज वेरी फनी। और वीडियो ब्रेकअप के बारे में है तो कॉन्स्टेंटली जोक्स कर रही थी कि हाँ हमारी हमारा ब्रेकअप इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, मैं उनको मिला तक नहीं हूँ और डिसाइड कर लिया। ओके सर, यूनिवर्सल म्यूजिक के बारे में जानना चाहूँगा, और जो अभी सोशल प्लेटफॉर्म जो बन रहा है देखा जाए तो, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से अभी लोग कहते हैं ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक फ्यूचर है, मुझे फ्यूचर नहीं लगता, मुझे प्रेजेंट लगता है, ऑलरेडी आ चुका है, सब लोग बना रहे हैं म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक बना रहे हैं और नॉन फिल्म म्यूजिक बहुत हिट भी हो रहा है, और आप देखोगे तो स्टार्स भी बन रहे हैं नॉन फिल्म म्यूजिक से, इतना बड़ा बन रहा है कि सब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब सुन रहे हैं और टीवी पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है, जितना बॉलीवुड जितने बॉलीवुड गाने हैं उतने नॉन फिल्म गाने भी हैं, और आगे जाके देखोगे तो आज के बॉलीवुड गाने 10 साल के पहले नॉन फिल्म गाने थे, जैसे काला चश्मा जो नॉन फिल्म गाना था और इतने चुल भी नॉन फिल्म गाना था, तो ऑल दीज सॉन्ग्स इवेंचुअली बिकम फिल्म सॉन्ग्स। तो आई थिंक दैट लाइन बिटवीन नॉन फिल्म एंड फिल्म म्यूजिक इज बिकमिंग वन, सब लोग सब कुछ सुन रहे हैं, एंड आई फील लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ एडिंग दैट प्लेटफॉर्म, कि आर्टिस्ट को मिले एक प्लेटफॉर्म, अगर फिल्म हो या नॉन फिल्म हो, दे प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी सिंगर्स भी ऊपर आए, या तो यो हनी सिंह, बादशाह, जिसे भी आप ले लें, तो क्या कहना है इसके बारे में कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता देखा जाए तो हमें? मैं
एक बात बोलूं तो मैं आई वुड से दैट डिपेंडेंट की बात नहीं है. आई फील लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो टैलेंट शोकेस करने के लिए बहुत यूजफुल है डिजिटल प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि योलो हनी सिंह या बादशाह जी को देखेंगे तो दे हैव बिकम बिग फ्रॉम डिजिटल. मुझे लगता है कि दे हैव वर्क वेरी हार्ड डिजिटल और नॉन डिजिटल पे. और आप देखोगे तो उनके गाने सब जगह बजते हैं. और आजकल ऐसे ही हो रहा है कि अगर गाना अच्छा हो डिजिटल पे तो सब जगह बजता ही है. रेडियो भी बजाना चाहता है, टीवी बजाना चाहता है. कहीं ना कहीं मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस की डिमांड, हम ये बोल सकते हैं. हाँ, कह सकते हैं कि ऑडियंस की डिमांड अभी ये है कि हमें अच्छा म्यूजिक चाहिए, अच्छा कॉन्टेंट चाहिए, चाहे वो डिजिटल से हो या फिल्म से हो, या हमें सिर्फ अच्छा कॉन्टेंट चाहिए. और ये डिमांड आपको दिख रहा है कि चैनल्स और रेडियो चैनल्स करना ही, दे हैव टू डू इट नाउ बिकॉज पीपल वांट गुड म्यूजिक. ये कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा सॉन्ग? सब जगह होगा. यू कैन सी इट ऑन रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल, ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. आप जहाँ देखोगे आपको मिल जाएगा. इसके अलावा सर, मोमिना पाकिस्तान से आ रही है देखा जाए तो फिर, और पाकिस्तान के सिंगर्स के बारे में जानना चाहूँगा किस तरह के, क्योंकि वहाँ की सिंगिंग ही कुछ अलग है बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे सिंगर हैं. तो उन्हें लेने की कुछ खास वजह इस म्यूजिक वीडियो में? मुझे लगता है ये गाने के लिए मोमिना एकदम परफेक्ट थी. ऐसा ना नहीं कहना चाहता हूँ कि वो बेस्ट सिंगर है या देयर इज नोबडी हु कैन सिंग एज वेल एज हर, ऐसे कोई बात नहीं है. मुझे सिर्फ लगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ने सब सोच के डिसाइड किया कि मोमिना इज द बेस्ट ऑप्शन सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए. तो आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तानी सिंगर्स आर बेटर देन इंडियन सिंगर्स और वाइस वर्सा. आई फील लाइक इनफैक्ट हमारे इंडिया में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं. सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगा कि मोमिना वुड बी अप्रोप्रिएट. आगे कुछ और प्रोजेक्ट्स हो तो करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिले या राइट करेक्ट प्रोजेक्ट मिले तो जरूर करूँगा. आपने सिंगिंग कर लिया, एक्टिंग कर लिया, सॉन्ग राइटर भी, और क्या क्या बचा जो करना है, कुछ होगा माइंड में? अभी है ना, मुझे एक्शन हीरो बनना. आई थिंक आई अभी तक तो बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है, और जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करूँगा तो आपको अपडेट करते रहूँ. कुछ खास मतलब किसी एक जॉनर में हमें प्रेजेंट करना है बचे, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी मुझे एक्टिंग पे ध्यान देना थोड़ा टाइम. मेरी पिक्चर आ रही है, आई एम एक्टिंग इन अ फिल्म, तो आप देखोगे अभी अनाउंसमेंट होगा एक दो महीने. थोड़ा बता सकते हो मूवी के बारे में? ऑलरेडी बता दिया. ओके, फैंस के लिए क्या बोलेंगे फाइनली? थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आपके बिना तो मैं कुछ होता ही नहीं. और प्लीज हियर द सॉन्ग, गाने का नाम है आया ना तू, 20 जून को रिलीज होगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन वायरल ओरिजिनल्स.